नमस्कार, यह कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। क्लासिक हिंदी साहित्य में आज आप सबको सुना रही हूँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई कहानी पंचलाइट। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चिट्ठी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ले जाए। बिना नियम टेम के कल कब्जे वाली जगह का पुण्या नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। अब गांव के बाहर ही बावन टोले के फुटंगी जाने टोक दिया, कतना में लालटेन खरीदवा मैं तो देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग भी ऐसे ही ताब रखते हैं। अपने घर की टिबरी को भी बिजली बंती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। देखते देखते टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ हाँ, दूर से ज्यादा छूछा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगा दो। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बैताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखर धरने में डेर बेर हुआ तो दूसरे दिन की एकदम बैकाट कर देंगे हम। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने से एक घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। हमने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम में दहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखे हैं। उसके बाद तो दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। अच्छा ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। हमने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट हम कैसे लेके जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, काहे रे, दीवान जी के आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान की को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल के राशन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। धातरी की यह बात पहले किसी के दिमाग में आई ही नहीं। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लू तो दूहे कौन, लो मचा।
अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन वाले? यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट चलेगा? इससे तो अच्छा है पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर का ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी, आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान, छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाले चीज में बहुत नखरा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़ के पंचलेट के सामने पांच बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया तो हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगर आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंप पुजरा होशियारी से देना। गुजरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है, वह कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी तो पंचायत से बंद है। मुंडरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन यहाँ, और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुंडरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जात का पानी उतर रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चिधान चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह देना सरदार से, ये गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधना? जानता है बालना, लेकिन। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा करने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है, क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, बात तो ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों का क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोड़ी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधना को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं काके। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटते हुए बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगायन मुरछल से बालों को सवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा? लो मजा।
अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंच लाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंडी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखें आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात खाना हमरे कर खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुंडी की ओर देखा। मुंडी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे हिंदी क्लासिक साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई कहानी पंचलाइट, मेरी यानी भारती कुमारी की आवाज में। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।